धोनी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या जैसे तमाम फेमस क्रिकेटर और तमाम सेलिब्रिटी को आपने देखा होगा फैंटेसी ऐप का प्रचार करते हुए। फैंटेसी ऐप भी एक गेमलिंग है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गेमलिंग यानी जुआ खेलना लीगल है इंडिया में? इंडिया में जुआ खेलना और खिलाना दोनों इलीगल है, फिर भी ये लोग फैंटेसी ऐप का प्रचार क्यों कर रहे हैं? देखिए, इंडिया में जुआ खेलना और खिलाना दोनों इलीगल है, लेकिन इन दो कारणों के कारण गेमिंग प्लेटफॉर्म में यह शर्तें लागू नहीं होती। पहला, पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867, ये कहता है कि ये लॉ ओनली इन पर्सन गेम पर लग सकता है, ऑनलाइन बेटिंग पर नहीं। दूसरी चीज़ यह है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल्स। इससे पहले कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर पिटीशन डाला है फैंटेसी स्पोर्ट के लीगेलिटी को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने इन फैंटेसी स्पोर्ट को गेम ऑफ स्किल कहा है और गेम ऑफ स्किल को भारत सरकार ने लीगल बताया है। आज दिनों पता चलता है कि इस पर्सन के इस गेमिंग फैंटेसी ऐप से इतना लाख का नुकसान हो गया और किसी ने तो पैसा हारने के कारण सुसाइड तक कर लिया, और खुद भी ये फैंटेसी गेम वाले लोगों को सतर्क करती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इतना लॉस होने के बावजूद इन फैंटेसी ऐप को लोगों द्वारा क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है और इन फैंटेसी गेम पर और भी यूजर बढ़ते जा रहे हैं? वैसे ही जैसे सिगरेट के बार बार वार्निंग देने के बावजूद लोग शौक से सिगरेट को पीते हैं। खैर, अपने टॉपिक पे आते हैं कि इन फैंटेसी ऐप कॉमन मैन को कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। ये जानने से पहले आप एक बार पीछे जाके देखो कि आपको यह फैंटेसी ऐप के बारे में पता कैसे चला। या तो आपको टीवी या मोबाइल पर एडवर्टाइजमेंट के द्वारा पता चला होगा, या तो अपने दोस्तों के द्वारा। हमें एक दोस्त ने रेफर किया था, उसमें से 100 रुपया मिला, उसके हम फैंटेसी खेले और बाद में हार गए। दरअसल इन फैंटेसी ऐप के ट्रैप में फंसने का मेन रीजन है फर्स्ट प्राइज, और हमें भी इसी ने अट्रैक्ट किया था। एक कॉमन मैन के दिमाग में एक बात जरूर रहती है कि एक ना एक दिन 1 करोड़ जरूर आएगा, और इस 1 करोड़ के चक्कर में लोगों के कितने हजारों लॉस हो जाते हैं। दूसरा रीजन है इन फैंटेसी ऐप वालों का एडवर्टाइजमेंट। इन फैंटेसी ऐप वालों का अच्छे से पता है कि लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है, इसलिए आपने देखा होगा कि इन फैंटेसी ऐप के प्रचारों में या तो पॉपुलर क्रिकेटर हो गए जिसे भगवान मानते हैं लोग इंडिया में, या तो पॉपुलर बॉलीवुड स्टार होंगे जिसका अच्छा फैन बेस होगा। थर्ड रीजन है इन फैंटेसी ऐप में एंट्री फीस, ये जानबूझ के इतना कम प्राइस रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन ऐप को खेल सकें, जैसे कि 49 रुपया से 1 करोड़ जीतने का सपना दिखाते हैं। अब किसी को क्यों ना लगेगा कि 49 रुपया से 1 करोड़ मिल रहा है तो क्यों ना लगाएं, इसके चक्कर में वे हजारों हार जाते हैं। इन फैंटेसी ऐप से सबका प्रॉफिट हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट करने वाले क्रिकेटरों का, सेलिब्रिटियों का, BCCI का, फैंटेसी ऐप का, लॉस हो रहा था सिर्फ कॉमन मैन का। तो आइए जानते हैं कि इन फैंटेसी ऐप का मार्केटिंग क्या है। तो ड्रीम इलेवन बहुत पहले से चल रहा है, तो इसी की एग्जांपल लेके समझते हैं। तो ड्रीम इलेवन के इस 49 वाले कंटेस्ट से समझते हैं। अभी कंटेस्ट का प्राइस 45 करोड़ दिखाई दे रहा है और नंबर ऑफ कंटेस्ट लगभग 12 मिलियन है, और मैच स्टार्ट होने से पहले ये कंटेस्ट फुल हो जाता है। इस कंटेस्ट के माध्यम से ड्रीम इलेवन लगभग 625 मिलियन का वसूली करता है, और इस कंटेस्ट में रैंक 1 से लेकर इतने लोगों को प्राइज मिलता है। बहुत देर के मेहनत बाद हमने ये निकाला, ड्रीम इलेवन 450 मिलियन प्राइज देता है। यह फैंटेसी ऐप का कमाल का बिजनेस होता है। हमने देखा कि पहले यह 625 मिलियन का वसूली किया और बाद में यह प्राइज दिए 450 मिलियन। अगर वसूली पैसा को प्राइज के पैसा को घटा दिया जाए तो बचता है 175 मिलियन। ये पैसा होता है ड्रीम इलेवन का, यानी इन फैंटेसी ऐप का। ऐसे ऐसे कई कंटेस्ट रहता है ड्रीम इलेवन में, इस तरह से इन फैंटेसी ऐप वालों करोड़ों छापते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको जरा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। फिर मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।